गुड मॉर्निंग क्लास एट, दिस विल बी योर नाइन्थ लेक्चर ऑफ साइंस। बेटा ये आपका नाइन्थ लेक्चर है साइंस का, जिसमें हम इरिगेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इरिगेशन एज इन फील्ड में पानी लगाने का काम, मतलब हम लोगों ने सोइंग कर दिया, हमने उसमें आपका फर्टिलाइजर लगा दिया, ठीक है, मैन्योर ऐड कर दिया, अब इसके बाद हम अपनी फील्ड में पानी लगाएंगे, ठीक है। तो वो जो पानी लगाने का प्रोसेस होता है उसको हम इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से पानी लगाया जाता है, पानी की डिमांड के हिसाब से, ठीक है, पानी वहाँ पे किस हिसाब से अवेलेबल है, उस तरीके से पानी को लगाने के मेथड्स अलग अलग थे। यहाँ पे हम दो टाइप के मेथड्स पढ़ेंगे, एक ट्रेडिशनल मेथड होगा, एक मॉडर्न मेथड होगा, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वी नो दैट प्लांट्स नीड वाटर टू प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो पानी की जरूरत है बेटा, ठीक है, सिंपल सी बात है, पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो प्लांट्स को बिना पानी के वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, और अगर वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो बट ऑब्वियस है हमें भी फूड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वी नो दैट प्लांट्स नीड वाटर टू प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर इज इम्पॉर्टेंट। देयर रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, बट इन फील्ड्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर हैज टू बी प्रोवाइडेड टू द सॉइल, ठीक है। तो फील्ड में बेटा छोटा मोटा पानी तो चाहिए नहीं कि एक बाल्टी पानी डाल दिया हो गया, नहीं, बहुत सारे अमाउंट में पानी चाहिए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स एट अ रिक्वायर्ड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। तो जो हम पानी सप्लाई करते हैं फील्ड में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिगेशन। द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड टाइम इंटरवल डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप विच इज टू बी इरिगेटेड। तो हमारा क्वांटिटी किस तरीके का, मतलब कितना पानी चाहिए, कितने इंटरवल पे चाहिए, वो डिपेंड करता है क्रॉप के ऊपर, ठीक है, कौन से क्रॉप को हमें ग्रो करना है, ठीक है। द इरिगेशन कैन बी रेन फेड और अश्योर्ड रेन फेड इरिगेशन, मीन्स वाटर इज प्रोवाइडेड टू द क्रॉप्स बाय रेन्स ओनली। अश्योर्ड इरिगेशन मीन्स वाटर इज प्रोवाइडेड टू द क्रॉप्स बाय ह्यूमन एफर्ट, ठीक है। तो या तो हमारे क्रॉप्स को पानी मिल रहा है थ्रू रेन वाटर, ठीक है, बारिश होती है तब पानी मिलता है, या फिर अश्योर्ड इरिगेशन क्या होता है, जिसमें हमारे ह्यूमन एफर्ट्स, मतलब हम कुछ ना कुछ तरीके लगाते हैं जिससे कि पानी मिल जाए हमारे फील्ड में, ठीक है। तो वेरियस सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर रेनफॉल, वेल्स, ट्यूबवेल्स, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, डैम्स एंड कैनाल्स। द फील्ड्स कैन बी इरिगेटेड यूजिंग ट्रेडिशनल टेक्निक्स एज वेल एज मॉडर्न टेक्निक्स, ठीक है। तो हम इन तरीकों से पानी लगाते हैं अपनी फील्ड में, रिवर्स के थ्रू, लेक्स के थ्रू, पॉन्ड्स के थ्रू, इन सारे मतलब इन सारे हम सोर्सेस का यूज़ करते हैं पानी लगाने के लिए, ठीक है। और टेक्निक ट्रेडिशनल भी यूज कर सकते हैं या मॉडर्न यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, द ट्रेडिशनल मेथड यूज्ड ह्यूमन और एनिमल पावर टू ड्रॉ वाटर। सम ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड आर, ट्रेडिशनल मेथड में बेटा या तो आप ह्यूमन पावर का यूज कर रहे हो टू अप्लाई वाटर, ठीक है, टू सप्लाई वाटर, या फिर आप एनिमल पावर का यूज कर रहे हो टू सप्लाई वाटर, ठीक है। तो सबसे पहला है मोट। इन दिस मेथड वाटर इज ड्रोन आउट फ्रॉम वेल्स इन गनी बैग्स बाय ह्यूमन पावर। द वाटर इज पोर्ड इन डिचेस और मोट्स विच टेक द वाटर टू द क्रॉप। दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड पुली सिस्टम। ये रहा आपका मोट, ठीक है, जैसे वेल से पानी निकाला और उसके बाद उसे, वेल से हमने पानी निकाला उसके बाद उसे हमने एक ऐसे प्लेटफॉर्म में डाला और उस प्लेटफॉर्म से पानी आपके फील्ड में सप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप पानी को या फील्ड में लगा सकते हो, तो इसको हम पुली सिस्टम भी कहते हैं, मोट को हम पुली सिस्टम भी कहते हैं। फिर है आपका चेन पंप। चेन पंप यहाँ देखिए, ये ऐसा है, ठीक है। तो इन दिस मेथड अ चेन इज अटैच्ड टू अ व्हील विद अ बकेट टाइड एट वन एंड। व्हेन द चेन इज पुल्ड द व्हील रोटेट्स एंड द बकेट गेट्स फिल्ड विद द वाटर इज देन पोर्ड इनटू द डिच। तो देखो ये, देखो ये आपका क्या है, इस मेथड में आप जैसे जैसे जा रहे हो, यहाँ नीचे आती है चेन, पानी भरता है, फिर ऊपर जाती है, फिर यहाँ पे पानी पलट जाता है और फिर नीचे आने लगती है, फिर से ऐसे जाती है, फिर से पानी फैलने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पानी लगातार डालता रहता है, समझ में आ रहा है। चलिए तो ये हो गया चेन पंप। फिर आ जाता है डेकली। तो डेकली ये वाला है। इन दिस टेक्निक अ बकेट इज टाइड एट वन एंड ऑफ द लॉग वुड, a heavy stone or weight is tied at the other end of the log. By use of weight, the bucket is dipped inside the well to draw water. तो
आपने पानी को डालने के लिए आपने बकेट को नीचे डुबोया, फिर जैसे ही आप डुबोने के बाद जैसे ही आपने एफर्ट छोड़ा तो पीछे क्योंकि स्टोन है तो पानी अपने आप ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये जो पीछे स्टोन बना हुआ है तो इसकी वजह से पानी अपने आप ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था डेकली मेथड। फिर आ जाता है राहत। इन दिस टेक्निक सेवरल बकेट्स आर अटैच्ड टू द व्हील। द व्हील इज अटैच्ड टू अ लॉग ऑफ वुड व्हिच इज ड्रॉन बाय एन एनिमल। इन दिस वे बकेट्स ड्रॉ वाटर एंड पोर इट इनटू चैनल ऑफ इरिगेशन। तो ये अगेन आपका इसी चेन पंप की तरह है, बट ये मॉडिफाइड है। इस चेन पंप को ह्यूमन एफर्ट से चलाया जा रहा था, राहत में आपके चेन पंप को विद द हेल्प ऑफ एनिमल चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका राहत में, ठीक है। तो ये था बेटा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडर्न मेथड को पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।